हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन गुरु। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पेनस्पीड 40 mg टैबलेट का। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टैबलेट के क्या यूज हैं, किन समस्याओं में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, इसके क्या डोज, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आइए हम पेनस्पीड 40 mg टैबलेट के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट का हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट की प्राइस दोस्तों 114 रुपये की 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसकी दोस्तों हम कंपनी की बात करें तो ये टोरेंट फार्मा द्वारा जो बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम आते हैं इसके कंपोजिशन की तरफ। दोस्तों इसमें पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट इसमें कंपोजिशन है। अब हम आते हैं इसके यूज़ की तरफ। दोस्तों इसका इस्तेमाल एसिडिटी, पेट में अल्सर हो, सीने में जलन हो, खट्टी ढकारा हो और गैस हो, बदहजमी गैस हो, इन सभी समस्या में दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल खाली पेट किया जाना चाहिए। दोस्तों आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा ही गैस एसिडिटी की समस्या है तो आप दोस्तों सुबह शाम इसे खाली पेट ले सकते हो। दोस्तों इस टैबलेट के लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे त्वचा पर चक्कर से होना, कब्ज, मतली, उल्टी, लूज मोशन, चक्कर आना, ये दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इनमें से दोस्तों आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और दोस्तों अगर कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।